काट दिया। चेटाला, ये किसका नंबर है? हेलो, तारक मेहता। हाँ मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठालाल, ये कौन सा नंबर है तुम्हारा? ये एक दूसरा नंबर है, वो इमरजेंसी के लिए दुकान में रखा है। अच्छा सुनिए, ये नंबर से अभी मैं वीडियो को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, आप फोन चालू रखना और सुनो मैं कैसे उसकी फिरकी लेता हूँ। अरे पर सुनो सुनो, आप ये कुछ बोलो मत, मैं नंबर लगा रहा हूँ वीडियो को, खाली सुनो आप। ओके, हेलो। हाँ कौन? आत्माराम भिड़े बोल रहे ले। हाँ आत्माराम भिड़े बोल रहा हूँ, आप कौन? अपन भाई बोल रहे ले। भाई? कौन भाई? कौन भाई? लगता है भाई लोगों के साथ तेरा पाला आज तक पड़ा नहीं है। अरे अपन रिमोट भाई बोल रहे ले। इधर बैठे बैठे अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी रिमोट से बंद कर दे दे, समझा गया? आप लेकिन भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंह से। अच्छा सुन, अपन सुना तेरे पास कुछ 10-1 लाख रुपया आया है? नहीं नहीं, 1 ही लाख रुपए है। लेकिन ये बात आपको कैसे पता? अरे अपना नेटवर्क चारों बाजू फैले ला है, समझा गया? अरे भाऊ नहीं, भाई 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 बोल रहे तो। अरे इसको पता है कि हमारे पास 1 लाख रुपए है। आप उसको झूठ बोल दो, उसको कह दो कि ये मामा जी के पैसे हैं, हमारे पैसे नहीं हैं। और चिल्ला के बोलो। हेलो हेलो, देखिए वो जो पैसे वो हमारे नहीं है, वो मामा के पैसे हैं। ए शिक्षक हो गए, झूठ बोल रहे ले। इसको ये भी मान गए कि मैं शिक्षक हूँ। चले शाने, अभी मेरी बात ध्यान से सुनने का। देख अभी हम लोग ने क्या भाईगिरी का धंधा जरा बंद किया है और समाज सेवा का धंधा चालू किया है, तो तू भी समाज का हिस्सा है, तो एक काम कर, तेरा जो 1 लाख रुपया उसमें से ज्यादा नहीं, 50,000 जरा इधर सरका दे, समझा क्या? 50,000 रुपए? हाँ सामने रसीद मिलेगा ना भाई, बोल कभी आऊ लेने को। 50,000 रुपए मांगते है? आप पूछ। देखो यहाँ पे कुछ लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं 1 पैसा नहीं देने वाला, और अगर ज्यादा कुछ कह रहा तो पुलिस के पास चला जाऊंगा मैं, और मुझे अकेला मत समझो, पूरी सोसाइटी मेरे साथ है, और मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे ना? दोबारा फोन मत करना। ये बहुत जवान चल रही है तेरी, रुक अभी बड़े डॉन से बात करवाता हूँ तेरी, वो 1 सेकंड में तेरी बोलती बंद कर देंगे। वही बड़े डॉन से बात करने की बात कर रही है। हेलो बॉस, वो मास्टर लाइन पे हफ्ता देने के लिए मना कर रहा है, जरा मुंह से खर्चा पानी दो जरा इसको। हेलो, देखिए बड़े डॉन साहब, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे बेईमानी का धंधा नहीं करना चाहिए, अगर आपको पैसे कमाने तो मेहनत की कमाई खाओ ना, किसने मना किया है? ए, बिड़े 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 सुनो, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ तो तारक भाई है? तारक मेहता? मेहता साहब आप डॉन है, कब बन गए? अरे भाई मैं कोई डॉन वॉन नहीं हूँ, और वो जो तुम्हारे रिमोट भाई इतनी देर से तुम्हें धमका रहे ना, वो भी कोई डॉन नहीं है, जेठालाल है अपना। क्या भिड़े भाई, कैसी लगी मजाक? क्या भिड़े तू भी यार है, अरे मराठी मानस होन घबरला। जेठालाल ये क्या मजाक है जेठालाल, ये कोई मजाक करने का तरीका है? आप भी शामिल हो गए उसमें? अरे नहीं भाई मैं शामिल नहीं हुआ भिड़े, जैसे ही तुमने मुझे फोन किया तुरंत मैंने जेठालाल को फोन किया, कभी भिड़े तुम्हें फोन करेगा उसके साथ मजाक मत करना। पर जेठालाल तो जेठालाल मुझे भी फंसा दिया। जेठालाल कैसे आदमी हो तुम, ऐसा मजाक कोई करता है भरा? यहाँ पे मेरी धड़कन है ना, सुनो यहाँ पे मेरी धड़कन है ना, वो कच्चे ओढ़ कैसे तर 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 टूटते वैसे हो गई है, कब सुधरोगे तुम? अरे भाई अगर मैं सुधर गया तो तुझ जैसे सुधरे हुए लोगों की कौन कीमत करेगा? अरे लेकिन ये भाई लोग वाला मजाक। अरे कल वो भाई लोग वाली फिल्म देखी ना, तो उधर से आइडिया आ गया भाई। क्या जेठालाल तुम भी। अरे क्या जेठालाल, बेटा क्या तू भी, आज के जमाने में किसी के पास ऐसे ही फोन करके किसी का हालचाल पूछने का टाइम नहीं है,
ऐसे में तेरे दो दोस्त टाइम निकल के तेरे साथ मजाक करने के लिए तुझे फोन करते हैं और तुझे कदर ही नहीं। और वैसे शुक्र मनाने वाली बात यह है भिड़े कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में अभी तक जमाने का रंग नहीं चढ़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं वो बात सही है मेहता साहब। अच्छा भाई भिड़े, अरे भाई मुबारक हो भाई, 1,00,000 रुपया मिल गया है, क्या बात है यार, मजे आ गया ये सुन के। हाँ थैंक यू। अच्छा सुन, वो मेहता साहब ने बताया मुझे तो वो इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल फिक्र मत करना, तेरे पैसे ऐसी मस्त जगह पे रोकेंगे जहाँ ज्यादा रिस्क ना हो और फायदा भी ज्यादा हो। हाँ करेक्ट, थैंक यू जेठा। तो मैं कुछ सोच कर रखता हूँ, तू एक काम कर, तू रात को घर पे आ जाना, वहाँ शांति से बैठ के हम लोग बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं रात को घर पहुँच जाऊंगा। हाँ ओके थैंक यू। ठीक है ओके, चल बाय बाय मेहता साहब। बाय जेठालाल, बाय भिड़े। ओके ओके ओके। वाह दया, आज तो मजा आ गया। नहीं बापू जी, गजब नाक शाक बनाया तूने, है भरेला मरचा नु शाक। तुझने माने सिखाया? नहीं माने नहीं सिखाया। क्या बात कर रही है? हाँ। माने नहीं सिखाया? नहीं माने नहीं सिखाया। वाह चलो, कुछ तो है जो माने नहीं सिखाया। तो फिर कैसे अपने आप सीखे? क्या था मुझे पापा अभी? तो बहू भरेला मरचा की सब्जी तूने किससे सीखी? वो बापूजी सुंदर वीरा ने मुझे सिखाया। सुंदर वीरा ने? वाह बोलो, मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझे ही बनाता है। मिर्ची को भी नहीं छोड़ा, उसे भी बनाया। हाँ, वो क्या है, सुंदर वीरा को बचपन से मिर्ची बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपने आप ही मिर्ची के विविध स्वादिष्ट वानगियां बनाना सीख लिया है। वाह चलो, नए साल में कुछ नया सुनने तो मिला। हाँ खरेखर ये नया साल सबके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए ना भिड़े भाई को भी उनके मामा की तरफ से 1,00,000 रुपए मिले। अरे भिड़े भाई आइए आइए, अब 100 साल जिएंगे और भी आपको याद किया। और सुनाओ लखपति भिड़े सेठ। हाँ तो जेठालाल बताओ, 1,00,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूँ? एक काम करना भिंडी मास्टर, सोना ले ले। चाचा जी मेरी भी यही इच्छा थी लेकिन माधवी मना कर रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, फिक्स डिपॉजिट करवा ले। हाँ वो मैं करा था लेकिन अभी क्या है ना, इन दिनों ब्याज दर बहुत कम हो गया है तो उसमें फायदा नहीं है। अब भिड़े भाई मैं क्या कहती हूँ, सुंदर वीरा के पास बहुत सारे प्लान होंगे, आप उसको फोन करो। नहीं दया, भिड़े को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसको डुबा डबल करने हैं। और सुंदर का क्या है, वो करोड़ों की हेरा फेरी में लगा रहता है ना, तो उसके लिए 1,00,000 के लिए परेशान करना अच्छी बात नहीं रहेगी, इसलिए सुंदर का रहने दे। क्या है ना दया, अभी अचानक 1,00,000 रुपए आ गए तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अच्छा चाचा जी मान लीजिए अगर आपके पास 1,00,000 रुपए आते तो आप क्या करते? मैं तो गौशाला में दान कर देता। अरे मास्टर मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, क्या है जेठिया कमाता है, पूरे परिवार का ध्यान रखता है, तो अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए आए तो मैं गौशाला में दान कर सकता हूँ। जी लेकिन तेरी बात और है भिंडी मास्टर, उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, तो तुझे तो पैसों का सही जगह पर ही रोकान करना चाहिए, बाकी दान धर्म तो परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो ही हम दूसरों को खुश रख पाएंगे ना। और वैसे भी हर इंसान का सबसे पहला फर्ज होता है अपने परिवार को खुश रखना, इसलिए तू टेंशन मत ले, तुझे 1,00,000 रुपए दान में नहीं देने हैं, तू उसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर। हाँ इसीलिए तो जेठालाल ने मुझे बुलाया है। ले जेठिया, तूने भिड़े को बुलाया है और तू चुपचाप बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। बापू जी मैं तो कब से बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मौका मिले तो बोलो ना। मैं कहाँ कुछ बोली, मैं सुंदर वीरा के बारे में थोड़ा बोली बस उतना ही। अरे भाई मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या मेरी बात कर रहा है? नहीं नहीं बापू जी। अरे नहीं नहीं क्या है? ये भिड़े के अलावा इस घर में अभी हम 3 जन ही तो है, तू चुप बैठा है, बहू कुछ बोली नहीं है, तो बच्चा मैं कब से मैं ही तो भिड़े के साथ बात कर रहा हूँ, वो भी भिड़े ने मुझसे पूछा इसलिए मैंने उसे जवाब दिया, बाकी मुझे क्या पड़ी है। और भाई भिंडी मास्टर तुझे जेठिया ने बुलाया था ना, तो उससे पूछना चाहिए था, मुझसे क्यों पूछा? राजा जी मैंने जेठालाल से ही पूछा था लेकिन यहाँ से किसी ने बोला सोना ले ले तो। किसी ने? जेठालाल बताओ ना मुझे कि 1,00,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करूं। बता रहा हूँ भाई बता रहा हूँ,
सबसे पहले तो मुझे ये बता कि तुझे 1,00,000 कितने साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं। नहीं नहीं जेठालाल, साल का कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे पैसे बढ़ते रहे। बराबर, बिल्कुल बराबर। तो मेरे पास कल एक बहुत बढ़िया ऑफर आई है। मेरे एक दोस्त है मनोज भाई, वो बहुत बड़े क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी डेवलपर। हाँ हाँ हाँ, तो लोनावाला में उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है उन्होंने। अच्छा, क्या स्कीम क्या है? अभी बुकिंग पे उनको 1,00,000 देने का, फिर 10 साल के लिए हर साल उनको 1,00,000 रुपए देने का। तो 10 साल के बाद लोनावाला की हसीन वादियों में तुम्हारा दूसरा घर हो जाएगा। 10,00,000 में? हाँ, अभी उन्होंने ये डिस्काउंट ऑफर निकाली है, मतलब अभी अभी जो ये बुकिंग करेगा ना, खास उनके लिए है ऑफर। फिर बाद में 6-8 महीने के बाद तो बढ़ जाएगा भाव। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, बस ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ, 10 साल के बाद वहाँ घर की क्या कीमत होगी? कम से कम 35-40 लाख तो पकड़ ले भिड़े। हाँ, और मान ले उसके आजू बाजू में किसी बहुत बड़े बिल्डर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया तो भाव और भी बढ़ सकता है। वाह 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 जेठालाल, क्या आइडिया दिया है। वाह, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, वो थैंक यू बराबर है, लेकिन बैठ तू पहले ठीक से सोच ले, क्या कि 10 साल के लिए हर साल तुझे 1,00,000 रुपए भरना होगा, तो हर साल 1,00,000 रुपए की व्यवस्था हो जाएगी ना। हाँ जेठालाल, वैसे तकलीफ होगी थोड़ी सी, लेकिन मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूंगा। बस बस ऐसा हिम्मत से हमेशा आगे बढ़ने का। हाँ बराबर। अच्छा जेठालाल, ये तुमने जो बोला मनोज भाई, वो नहीं, अरे उनकी बिल्कुल चिंता मत कर, ये लाइन के वो बहुत नामचीन आदमी है, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महाबलेश्वर, पूना, नासिक, अलीबाग, और एकदम खरा आदमी, वरना मैं तुझे बताता ही नहीं ना भाई। भीड़े भाई, आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पैसों के मामले में टप्पू के पापा 100 छलनी से पानी छान छान के पीते हैं। छान छान छान, तो जेठालाल अभी के अभी फोन करके मेरी बुकिंग करवा दो। अभी थोड़ा लेट हो गया, मैं कल सुबह उनको फोन कर दूंगा। जेठालाल कहाँ लेट हुआ है भाई, अभी कभी फोन करो ना, तो हम लोग कल के कल पैसे भर देते हैं। और क्या है ना कि कल का दिन मेरा और माधवी के लिए बहुत खास दिन है। क्यों, कल क्या है? कल आपके विशु हैप्पी बर्थडे है कि फिर आपकी शादी की सालगिरह है या सोनू की विशु हैप्पी बर्थडे है? नहीं नहीं देव अभी, दरअसल कल के ही दिन मैं और माधवी शादी से पहले पहली बार मिले थे, इसलिए वो खास दिन है। अरे वाह भिड़े, फिर तो तुझे कल सोसाइटी को पार्टी देनी चाहिए। तो फिर मनोज भाई को क्या दूं? अरे भाई तू उसकी चिंता मत कर, सोसाइटी मिलकर तुझे पार्टी देगी बस। जेठालाल पार्टी का रहने दो, पार्टी बाद में कर लेंगे, अभी तू मनोज भाई को फोन तो करो। टप्पू के पापा आप फोन कीजिए ना, सूप काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, पत्नी परमेश्वर की बात सर आंखों पर। हाँ मनोज भाई, कैसे हो मालिक? नहीं बस वो कल आपने लोनावाला वाली ऑफर बताई थी ना। नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, वो हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है आत्माराम भिड़े जी, तो उनको लेना है, मतलब उनका और हमारा एकदम घर जैसा ही है, तो समझो ना मुझे ही लेना है। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, गुड नाइट। क्या कहा उन्होंने? गुड नाइट। अरे भाई उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल बुकिंग कर लेंगे। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। हम लोग आएंगे आपका घर लोनावाला। हाँ बिल्कुल देव अभी, पूरी सोसाइटी वाले जाएंगे वीकेंड मनाने के लिए। हाँ जाएगा। तो जेठा पैसे कब दूँ? कल। हाँ तो ठीक है, कल सुबह पैसे देता हूँ। हाँ नहीं नहीं भाई मुझे मत देना, वो मनोज भाई कल मेरी दुकान आ रहे हैं, तो मैं तुझे फोन करूंगा, वो जितने बजे आने वाले होंगे ना उसी टाइम पे तू भी आ जाना, फिर अपने हाथों से ही उनको दे देना। ठीक है जेठालाल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू क्या, 2% दलाली भिजवा देना। मैं अभी जाकर खुशखबरी माधवी को सुनाता हूँ। चलो ओके ओके। जेठालाल ने क्या मस्त आइडिया दिया, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने का। माधवी क्या दिया है बताइए। ओहो हमारा दूसरा घर। यस, सोचो माधवी, लोनावाला की पहाड़ियों में अपना एक छोटा सा घर होगा, छोटे से घर के बाहर एक छोटा सा आंगन होगा, उस आंगन में एक टीपॉय होगा जहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पिएंगे, उस आंगन में तरह तरह के खुशबूदार फूल होंगे, उस खुशबूदार फूलों की छाव में सोनू मस्त पे की बैठ के पढ़ाई कर रही होगी। हायर स्टडीज, मतलब डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है। जरा सोचो माधवी, बरसात के सीजन में हमारे घर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी, सामने जो पहाड़ होंगे उसके बीच एक झरना बहता होगा, इन शॉर्ट अपना सेकंड होम अप्रतिम होगा। और माधवी, उस घर का हम लोग नाम रखेंगे माधवी महल। नहीं
नहीं नहीं ये सब मिटा दो, उस घर का नाम रखेंगे आत्माराम महल। नहीं नाम तो अच्छा है लेकिन सुनने में किसी बापू का आश्रम लगता है। सोनू निवास। हाँ, सोनू निवास। कौन आया? हाँ इतनी रात गए किसका फोन आया हुआ? पता नहीं, चल देखते। अरे बापूजी आप इतनी रात को किसका फोन आया होगा? देखता हूँ। हेलो हेलो कौन है? पता नहीं कोई बोल नहीं रहा है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? सॉरी। हेलो लगता है शायद उनको मौन व्रत होगा। अरे मौन व्रत है तो फोन क्यों किया? मुझे क्या पता। हेलो बोल नहीं रहे तो फोन रख दीजिए, क्यों जिद कर रहे हैं? उसने रख दिया। सो जाए बाबूजी। हेलो हेलो हेलो। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं भाई साहब? तुझे कैसे पता सामने कोई भाई साहब ही है? अब देखिए भाई या बहन बात करनी है तो कीजिए, मैं फोन रख रही हूँ। सो जाए बाबूजी। अरे मम्मी रुक जाओ मैं उठाता हूँ। हाँ हाँ बेटा फोन ले, सबको मौका मिलना चाहिए। हेलो हेलो। देखिए आप जो भी आप बोल रहे हैं तो बोलिए, हम सबको यहाँ पर बहुत नींद आ रही है। हेलो। अरे फोन रख दे बेटा। अरे कौन बोल रहा है? बार बार यहाँ पे फोन क्यों कर रहे हो? सबको परेशान करके रखा है कम से। डांटिए बाबूजी, डांटिए डांटिए उसको। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। सामने से कोई बोला? बापूजी कितने नसीब वाले हैं। कौन है बापूजी जो बार बार फोन करके बात नहीं कर रहा है? वो राम जी है फोन पे, उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी इसलिए फोन कट करके बार बार फोन कर रहा था। तुम लोग जाओ सो जाओ। ठीक देखा भाई सभी निकले। ठीक है बाबू। हाँ हाँ बोलो। हाँ क्या? हाँ हाँ नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा। अरे लेकिन कल पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे लेकिन इसमें तो झूठ बोलना पड़ेगा, ये गलत है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, कितने पैसों का इंतजाम करना होगा? एक लाख रुपए? लेकिन अच्छा ठीक है मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। क्यों फोन उठाया मैंने? एक लाख रुपए का इंतजाम कहां से करूंगा? जेठिया से भी नहीं बोल सकता, इस धर्म संकट में फंस गया मैं। अच्छा हे भगवान, ये किसका फोन आया जिसने चाचा जी की होश उड़ा दी? भाई कई बार तो मुझे लगता है कि गोकुलधाम सोसाइटी के लिए विधाता ने कोई स्पेशल टेंशन की सेल लगा रखी है। अक्सर यहाँ पे एक टेंशन पे एक टेंशन फ्री मिल ही जाता है। अभी भिड़े का ये लाख रुपए का टेंशन खत्म हुआ ना हुआ कि चाचा जी का नया टेंशन आ गया। और ये कैसा टेंशन है कि चाचा जी अपने पुत्र और मेरे परम मित्र जेठालाल को बता भी नहीं सकते उन्हें लाख रुपए का इंतजाम करना है।
भाई बड़ा टेंशन है यहाँ पे, लेकिन एक ही जगह है जहाँ टेंशन नहीं है, वो आपका चेहरा, क्योंकि आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहाँ हम टेंशन लेके आपको हंसाते हैं, यानी कि अब होने वाला है बड़ा टेंशन। लेकिन आप चिंता मत करिए, जितना बड़ा टेंशन उतना कमाल का मनोरंजन, देखते रहिए हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नो टेंशन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।